अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं देखिए आपके लिए क्या लेके आई हूँ। ये आपको जैसा कि नज़र आ रही है, मूंग दाल है, मूंग दाल। और इसके ना मैं आज रोटी बनाऊंगी। तो नूर भी मेरे साथ पीछे कर रही है वॉइस ओवर, तो आपको माजरत करती हूँ अगर आप कोई शोर शराबा हो। तो मूंग दाल के लिए ना, पराठे के लिए मूंग दाल मैं, उसमें एक अंडा ले लें, अदरक ले लें, लहसुन नमक मसाला जात अपनी मर्जी से ले लें, और उसको ना मूंग दाल को भगो के रखना है और ऐसे ग्राइंड कर लेना है ना। आपके पास जूसर मशीन होगी, ग्राइंडर होगा, ऐसे ग्राइंड कर लेनी है थोड़ी सी ना मोटी मोटी। तो ऐसे ना मतलब ग्राइंड हो जाएगी और आपका वो एक पेस्ट सा बन जाएगा। तो आपने ना एक तवा लेना है जिस पर आप रोटी बनाते हैं, तो उस पर तेल लगाना है और इसको ना ऐसे चम्मच से फिरा लेना है ऊपर ना, चम्मच से ना बहुत अच्छी तरह गोल से ऐसे करना है इसको ऊपर से। तो इसको ना अभी थोड़ा सा देर पकने के लिए वेट करेंगे और फिर इसको ना दूसरी साइड से ना मतलब हम पकाएंगे। और इसको थोड़ी देर ढक दें ऊपर से, कोई ढक्कन है तो आपके पास, तो ये अच्छा अच्छी तरह पक जाएगी, कुक हो जाएगी। तो इसके बाद ना इसको पलटें तो देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी शक्ल आएगी इसकी। तो ये आप देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी मूंग दाल की रोटी जो है हमारी तैयार हुई है। तो इसको ना आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, चटनी के साथ भी ले सकते हैं, जिससे आप लाइक करें आप ले सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच माय वाईटी फैमिली फॉर सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह।